हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आज की केमिस्ट्री की क्लास में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री एंड इट इज़ द कोलिजन थ्योरी। और इसमें साथ में देखेंगे एनर्जी एंड ओरिएंटेशंस बैरियर टू द रिएक्शन। सो कोलिजन थ्योरी क्या एक्सप्लेन कैसे करती है रिएक्शन को, सारा इसमें डिटेल में करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिले, और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। सो बेसिक अगर रिक्वायरमेंट की बात करें किसी रिएक्शन की, उसमें आपको पता है अभी इसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज जो है एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है, उनको कोलाइड करना होता है, एक दूसरे के साथ हिट होते हैं, एंड दिस आल्सो द बेसिस ऑफ द कोलिजन थ्योरी। ये भी इस थ्योरी का बेसिस है। सो ये जो थ्योरी थी इसको मैक्स स्टूअर्ट्स एंड विलियम लेविस ने दिया था 1916 और 18 में, ठीक है, और ये बेस्ड है कनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो इसके अकॉर्डिंग है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर अज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर एंड रिएक्शन इज पॉस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। सो इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसमें स्फीयर की फॉर्म में उनको माना जाता है, राउंडेड माने जाते हैं, ठीक है, वो आपस में हिट करते हैं। द नंबर ऑफ द कोलिजन दैट टेक प्लेस फॉर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड द कोलिजन फ्रिक्वेंसी। अब एक सेकेंड में जितने भी वेसल्स में, किसी में आप रिएक्शन करा रहे हो, चाहे टेस्ट ट्यूब में करा रहे हो, वेसल में करवा रहे हो, कंटेनर में करा रहे हो, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं एक सेकंड में, उसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और उसको जेड से शो करते हैं, ठीक है जी। सो द वैल्यू ऑफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी बेसिकली बहुत हाई होती है क्योंकि मॉलिक्यूल काफ़ी होते हैं, बल्क में लिया जाता है रिएक्शन में। सो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन की अगर बात करें, जैसे टेम्परेचर प्रेशर है, एक गैसीय सिस्टम को देखें, सो द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइनरी कोलिजन इज़ वन ऑफ द ऑर्डर 10^25-28, काफ़ी ज़्यादा होता है ऑर्डर, इतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स माने जाते हैं। सो इफ़ ऑल द कोलिजन आर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट द रिएक्शन मस्ट बी कम्प्लीटेड इन वेरी शॉर्ट टाइम। अगर हम इतनी ज़्यादा कोलिजन हो रही है, इतना कोलिजन का ऑर्डर है, तो ये तो रिएक्शन जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है ना, बट एक्चुअल में रिएक्शन जल्दी होती नहीं है। एंड हो एवर एक्चुअल जो प्रैक्टिस अगर देखें तो मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्लो होते हैं और उनको लॉन्गर टाइम लगता है, ठीक है जी। सो दिस मीन डैट ऑल द कोलिजन जो हो रही हैं इन गिवन टेम्परेचर आर नॉट इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। सो द कोलिजन विच एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड देयर फॉर रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन का द इफेक्टिव कोलिजन। सो सारी कोलिजन से रिएक्शन नहीं होती, जो कोलिजन से रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनता है, डैट इज़ अ इफेक्टिव कोलिजन। सो इसमें दो इम्पॉर्टेंट बैरियर होते हैं किसी रिएक्शन को होने या ना होने में, पहला होता है एनर्जी बैरियर, दूसरा होता है ओरिएंटेशन। एनर्जी मिनिमम मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है जो चाहिए सफिशेंट कि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटें और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट बने, ठीक है। सो ये जो मिनिमम एनर्जी है कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। सो वही मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, कोलिजन करते हैं, जिनकी एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, ठीक है जी। थ्रेशोल्ड होगी या कम होगी फिर भी नहीं होगी। तो ओरिएंटेशन बैरियर क्या है, प्रॉपर जो मॉलिक्यूल ओरिएंट हो ताकि जो ओल्ड बॉन्ड टूट सके और नो न्यू बॉन्ड बने, जैसे NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन है, NO2 दोनों आपस में मिलके डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। सो इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन को अगर आपने देखना है तो यहाँ देख सकते हैं। सो जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है, NO2 है, ठीक है, ये प्रॉपरली ओरिएंटेड है, N इसके पास पास होना चाहिए,
कि ये बॉन्ड एक्चुअली NN में सेंट्रलाइज बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और यहाँ क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ N है, तो इसमें इफेक्टिवली कोलिजन नहीं होगी, ये बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा नहीं। सो प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है डेट इज़ इलस्ट्रेटेड हेयर, आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड। जो पार्ट वी रिएक्शन है उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर है। सिमिलरली अगर हम रिएक्शन देखें ब्रोमो इथेन की OH नेगेटिव आयन के साथ मिथेनॉल फॉर्मेशन में, तो उसमें आपका क्या है, मिथेनॉल बनता है। तो इसमें दो तरीके से ओरिएंटेशन बताई हुई है, एक प्रॉपर है एक इम्प्रॉपर है। प्रॉपर में बात करेंगे, जैसे एक अटैकिंग आयन है, ये अटैक करेगा, ये यहाँ पे सबस्ट्रेट बना हुआ है जिसके साथ रिएक्शन होगी, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, Br नेगेटिव चार्ज है। तो OH के ऊपर ऑलरेडी क्या चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव Br के साथ जो रिएक्ट करेगा नहीं, सामने Br नेगेटिव आयन है, यहाँ रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि लाइक चार्ज है, दे विल रिपेल, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अगर ये कार्बन पॉजिटिव की प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएगा तब प्रोडक्ट बनेगा। सो ताही इस वजह से मिथेनॉल बनता है। सो आई होप आपको ये ओरिएंटेशंस के बारे में डिटेल में समझ आ गया होगा। सो यहाँ से ये क्लियर है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन से जो रिएक्शन है वो होती है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, अवेयर एज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन सिंपली मेक्स देम टू बाउंस बैक। इम्प्रॉपर होगी तो बाउंस बैक हो जाएंगे, ये बाउंस बैक ही है, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव है, पीछे रिपेल हो जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो बेसिकली अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन थ्योरी का समराइज, किसी रिएक्शन को होने के लिए देर मस्ट बी द कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज, ओनली द सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आर इफेक्टिव, थोड़े ही कोलिजन इफेक्टिव होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। फार इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल की जो सफिशेंट एनर्जी होना और ओरिएंटेशन होना जरूरी है। तो इसमें फार्मूला बताया हुआ है, नंबर ऑफ कोलिजन जो है वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड में, जिसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो होती है जेड। इफेक्टिव कोलिजन का फ्रैक्शन है उसको स्मॉल एफ कहते हैं। सो रेट रिएक्शन का माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इन द डिफरेंशियल फॉर्म वो होगा एफ इंटू जेड। अफेक्टिव कोलिजन एंड नंबर ऑफ कोलिजन इनको मल्टीप्लाई करके आपको रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है। सेकंड इसमें छोटा सा टॉपिक साथ में है, वो इसी के साथ ही जुड़ा है, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर एक कह सकते हैं एक बेसिक टूल माना जाता है किसी भी रिएक्शन को, मोस्टली रिएक्शन होने के लिए। सो जनरल जो अप्रॉक्सीमेट रूल है उसमें क्या है, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट इज रेट ऑफ ए रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बिकम ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज टेम्परेचर। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो बेसिकली क्या होता है, जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे तो रिएक्शन रेट डबल हो जाता है, तो ये माना जाता है, जनरलाइज रूल है। तो इसमें रेट कॉन्स्टेंट टी प्लस 10C और ओरिजिनल टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ एग्जांपल बताई हुई है, जैसे रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन है N2O5 का 7.87 × 10⁻¹⁷ पर सेकेंड, ये है 273 केल्विन के ऊपर। और उसके बाद ये जो बन जाता है 3.56 × 10⁻¹⁵, ये बढ़ जाता है। सो दिस मीन दैट राइज ऑफ टेम्परेचर 25 डिग्री बढ़ने से जो रेट कांस्टेंट है बढ़ गया है 45 times। सो ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप कैसे देखेंगे, कोलिजन थ्योरी के साथ इसको रिजेंबल भी करना है, जेट एंड एफ के बारे में आप पढ़ चुके हो। सो ऑब्वियसली वी मे थिंक दैट द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर इज ब्रॉट अबाउट बाय आइदर ऑफ टू और कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर। दोनों फैक्टर देखते हैं, पहले तो है यहाँ पे इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एवरेज किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, तो उससे कोलिजन के चांस बढ़ेंगे, जेड की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है जी, ये इसमें फेवर करता है। सो द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस मीन इंक्रीज बाय 3% व्हेन द टेम्परेचर राइज फ्रॉम 300 से 310 होने से 3% राइज हो गया।
दिस मीन डैट इफ द इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज ओनली रीजन फॉर इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर देन द रिएक्शन रेट वुड हैव बीन इंक्रीज बाई फैक्टर 3%. दिस इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्टर ऑफ 2 और इवन मोर इन सम केसेस. सो द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट सिंपली ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी. सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम मान नहीं सकते रेट ऑफ रिएक्शन का. टेम्परेचर से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है, बट इसमें जो इफेक्टिव कोलिजन है ये एक ज़्यादा बड़ा फैक्टर माना जाता है. सो ओनली जो स्मॉल फ्रैक्शन है जो इफेक्टिव कोलिजन है वो देखते हैं. इफेक्टिव कोलिजन जो प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें क्या होना चाहिए, कुछ सर्टेन मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, डैट इज़ द थ्रेशोल्ड एनर्जी, तभी कोलिजन होगी. सो इफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज लेस देन वैल्यू कोलिजन विल बी इनइफेक्टिव. सो द एनर्जी ऑफ कोलिजन डिटरमिन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उसकी क्या एनर्जी है. सो इसमें बोल्टमान एंड जेम्स क्लार्क ने जो स्टैटिस्टिक देखा था कनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो उसी को हम लेते हैं. तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि ऑल मॉलिक्यूल इन सब्सटेंस डू नॉट पजेस द सेम कनेटिक एनर्जी. सभी की एनर्जी एक जैसी नहीं होती. सो दिस इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन मूविंग मॉलिक्यूल. सो देयर द एनर्जी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर. जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे. सो देर इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कनेटिक एनर्जी अमंग द रिएक्टिंग स्पीसीज. इफ द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल प्लॉटेड अगेंस्ट कॉरस्पॉन्ड फ्रैक्शन एन ई अपॉन एन टी. एन ई इज़ द जो है कनेटिक एनर्जी, एन टी इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी कनेटिक एनर्जी है एन ई, और टोटल मॉलिक्यूल से उसको डिवाइड करते हैं. सो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कर्व जो इसमें फिगर 11 आपको दिखा देता हूँ आएगी, तो इसको मैक्सिमल कर्व कहते हैं, ठीक है जी. सो फिगर में जहाँ से एविडेंट क्लियर हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लो और वेरी हाई एनर्जी इज़ वेरी स्मॉल. तो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल हैव इंटरमीडिएट एनर्जी, डैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी. कम या ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं, कि उनकी एनर्जी बिल्कुल ही ना हो या बहुत ज़्यादा हो, वो रिएक्शन के पैरामीटर से बाहर हो, ऐसे मॉलिक्यूल कम होते हैं. तो बेसिकली जो एनर्जी है इस फॉर्म में रहती है, डैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल कनेटिक एनर्जी. ये जो है ये एवरेज है, ये मॉलिक्यूल है जो इफेक्टिव कोलिजन करवा रहे हैं, ये एनर्जी इतनी है, ये कम फ्रैक्शन है. तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ग्राफिकली, ठीक है जी. सो इट मे बी नोटेड डैट फॉर द रिएक्शन हैविंग द लो एनर्जी वैल्यू विल बी द लार्ज फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विच पजेस द इफेक्टिव कोलिजन, हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई. यहाँ भी देख सकते हैं कि एनर्जी कम है बट उसका इफेक्टिव कोलिजन का रेट भी मैटर करता है. और अगर एनर्जी ज़्यादा है देन ओनली अ फ्यू कोलिजन विल बी सफिशेंटली टू एनर्जेट द प्रोडक्ट वाइल ऑल अदर कोलिजन विल बी इनफेक्टिव. दिस विल प्रोसीड वेरी स्लोली. सो ऐसा भी होता है कि ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है जी, कंसिस्टेंसी भी चाहिए रिएक्शन को. ज़्यादा एनर्जी होगी तो ये नहीं होगा फिर रिएक्शन जल्दी होगी. इफेक्टिव कोलिजन को टाइम भी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए. तो एनर्जी एक कह सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी एक इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है. ज़्यादा एनर्जी होने से, कनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होने से आप ये नहीं मान सकते कि कोलिजन भी इफेक्टिव होगी. इफेक्टिव कोलिजन के लिए आपको एनर्जी जो है एवरेज चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ठीक है, उससे कोलिजन जो है इफेक्टिव नहीं होगी. सो यहाँ पे जो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इफेक्टिव कोलिजन के हिसाब से T1 T2 टेम्परेचर है 10 डिग्री प्लस हो सकता है. यहाँ पे यह आप देख सकते हैं, ये एक ग्राफ से आप समझा सकते हैं इसे. ये है आपका T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर जो ज़्यादा है, T2 10 डिग्री ज़्यादा माना गया है. तो इसको अगर आपने ग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एरिया निकालना है टेम्परेचर का, T1 का आएगा ABEF. T1 देखिए कहाँ है, ये T1 है, इसमें आ रहा है T1 के हिसाब से जो आपका है वो आ गया ABCD, ठीक है जी. यहाँ आ गया ABCD, ये इतना फ्रैक्शन आ गया. T2 टेम्परेचर में आपका कितना आएगा, ABEF, ये एरिया बढ़ाएगा, ठीक है जी. सो ये इफेक्टिव कोलिजन का फ्रैक्शन बढ़ रहा है टेम्परेचर से,
तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है जी। सो टेम्परेचर बढ़ने से इफ़ेक्टिव जो मान सकते हैं उसका जो कोलिजन का पैरामीटर बढ़ता है, इस वजह से जो 10 डिग्री हो जाता है। सो वी मे कंक्लूड दैट इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन। टेम्परेचर का क्या मानते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। तो इसमें एनर्जी वाला जो कनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट बताया वो इफेक्टिव कोलिजन को नहीं मानता, ठीक है जी। तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का कंसेप्ट भी है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इफेक्टिव कोलिजन वो कम है, वो कम एनर्जी में आ रहे हैं तो उसमें एनर्जी का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट इसमें जो है इफेक्टिव कोलिजन का जो बढ़ा देता है टेम्परेचर से, जो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ती है इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। सो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा सारा, हो द टेम्परेचर इफेक्ट और कोलिजन थ्योरी को कैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को देखने के लिए, डिपेंडेंस क्या है रिएक्शन रेट की ऑन टेम्परेचर, कोलिजन थ्योरी और फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव कोलिजन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सारा आपने समझ लिया होगा। और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा। अगर किसी टॉपिक में आपको अभी दिक्कत है तो यू कैन कमेंट हियर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए ताकि और अच्छे टॉपिक आपको मिल सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।